नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। उन्हें योगी का भगवा चोला नापसंद है या उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल, या कि योगी की पॉपुलैरिटी से विपक्ष घबराया हुआ है, या क्या मालूम कि ये तीनों ही विपक्ष के लिए मुसीबत बने। कारण जो भी हो, लेकिन आजकल योगी आदित्यनाथ विपक्ष के तमाम नेताओं के निशाने पर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि सीता का हरण करने भी रावण भगवा चोले में ही आया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी योगी के दिल्ली में चुनाव प्रचार करने से बहुत परेशान दिख रहे हैं। मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सबसे ज्यादा निशाने पर आजकल है। आखिर क्यों? आज मूड मीटर में इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल नंबर एक, पहला सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं में बुलडोजर बाबा का इतना खौफ क्यों दिखाई दे रहा है? और ये सवाल है और इसका ऑप्शन है आपके सामने कि ऑप्शन ए है, योगी शासन का प्रतीक बना है बुलडोजर इसलिए, योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं इसलिए, और ऑप्शन सी है, योगी से वोट ध्रुवीकरण का डर सताता रहता है विपक्ष को इसलिए। तो योगी आदित्यनाथ से क्यों चिढ़ते हैं विपक्ष के लोग, ये आपके पास सवाल है और उसके ऑप्शन हमने आपको बताए। सवाल नंबर दो दिखाइए जल्दी, योगी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इतने ज्यादा प्रचार का मतलब क्या है? और ऑप्शन है, योगी की बातों पर लोगों को भरोसा है इसलिए ज्यादा उनको मौके मिल रहे हैं। ऑप्शन बी, योगी की रैली का मतलब जीत पक्की। और ऑप्शन सी, विपक्ष पर सीधा हमला करते हैं योगी आदित्यनाथ। क्या सोचते हैं आप इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर तीन, देश भर में यूपी का योगी मॉडल इतना पॉपुलर क्यों है? और ऑप्शन ए है, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। ऑप्शन बी, जनता को सुरक्षा की गारंटी मिली। और ऑप्शन सी है, यूपी की विकास वाली छवि बनाई है उन्होंने इसलिए। तो ये तीन सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। आपके टीवी स्क्रीन पर QR कोड आ चुका है, अपने मोबाइल कैमरे से उसे स्कैन कीजिए और अपना जवाब भेजना हमें शुरू कर दीजिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं चार लकी वोटर का चुनाव। और अब हम आते हैं आज के मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव में योगी की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिलाने की नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी योगी खूब प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी की हाई डिमांड, योगी जहां जाते हैं आजकल उन्हें बुलडोजर सलामी दी जा रही। देश की सियासत में एकदम नई तस्वीर है जो सिर्फ योगी की अगुवानी में ही दिखती है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बाबा जहां जाते हैं बुलडोजरों की कतार ऐसे ही एकदम फन ताने हुए अगवानी में खड़े दिखते। दरअसल योगी आदित्यनाथ की ताकत भी यही है, उन्होंने इस देश की पॉलिटिक्स को सिर्फ नई तस्वीर नहीं दी है, नई शब्दावली और नया अंदाज भी दिया। रोमियो स्क्वाड ऐसा ही एक शब्द था जो योगी राज के पहले यानी कि शुरुआती दिनों में खूब गूंजता रहा। महिला सुरक्षा को लेकर आज यूपी में लोग उन्हें 10 में से 9 नंबर और 10 में से 10 नंबर देने को तैयार है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंचलों को मंच से चेतावनी देते हैं कि इस चौराहे पर बेटियों से छेड़खानी करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज घेर लेंगे तुमको। योगी अपनी भाषा में बेवाक हैं, योगी अपनी शैली में बेखौफ हैं और अपने संदेश में बिल्कुल स्पष्ट। इसीलिए वो माफिया से लेकर गौकशी तक के तमाम मुद्दों पर एकदम कड़ा और साफ मैसेज देने से बिल्कुल हिचकते नहीं। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है, इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है। मिट्टी में मिला
साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो योगी का यही अंदाज है जो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता। कईयों को दिक्कत है इसी, कुछ को दिक्कत इस बात से है कि योगी भगवा वस्त्र पहनते हैं और अपनी हिंदूवादी पहचान को लेकर एकदम बेझिझक है। कुछ को परेशानी इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व को लेकर वो कोई बीच की सॉफ्ट धारा नहीं लेते, कोई सॉफ्ट लाइन नहीं लेते या कोई बीच की लाइन नहीं लेते। कुछ विरोधी इसलिए परेशान हो जाते हैं कि एक भगवाधारी जो सिर्फ अब तक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था अब एक सीईओ की तरह काम करता है। कट्टरपंथी जमातें इसलिए परेशान होती है क्योंकि सीएम योगी रामराज की उस अवधारणा को अपने काम के तौर पर, काम के जरिए जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं, जिस रामराज के कॉन्सेप्ट को सेकुलर इकोसिस्टम घोर कम्युनल बताकर भय फैलाता है। विपक्षी नेताओं की आंखों में योगी इसलिए भी खटकते हैं क्योंकि योगी के पहले कार्यकाल की बदौलत ही 37 साल बाद यूपी की सत्ता में बीजेपी की दूसरी बार वापसी हुई और योगी लगातार सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। विपक्षी नेताओं की चिढ़ और योगी से खार खाना, योगी पर वार करना इसलिए भी है क्योंकि योगी की पृष्ठभूमि, पहनावे और पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष ने जैसी उनकी छवि बनाई थी, जैसी छवि गढ़ने की कोशिश की थी, योगी ने उसे अपने काम से खंडित कर दिया है। इस देश की पॉलिटिक्स में ऐसे नेता कम ही हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना मुकाम बनाया। आज योगी यूपी में जो करते हैं कई बार बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए रोल मॉडल बन जाता है, चाहे वो बुलडोजर हो, लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, गौकशी पर सख्ती हो या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो। योगी सारे मोर्चों पर एक एक कर असरदार किरदार के तौर पर सामने उभर कर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि योगी का अप्रोच सिर्फ पॉपुलिस्ट रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे से लेकर रैपिड रेल तक और डिफेंस कॉरिडोर से लेकर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक और निवेश से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, इकोनॉमी के जितने मोर्चे हो सकते हैं सभी मोर्चों पर यूपी ने एक बड़ी छलांग लगाई है पिछले 5-7 सालों में। बाबा आज बीजेपी के प्रचारकों में है तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो फायर ब्रांड नेता है, उनकी अपील भी जबरदस्त है, उनका स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। इस लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बहुत ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब तक 125 जनसभाएं और 25 रोड शो, माफ करिएगा 12 रोड शो और 15 प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर चुके हैं। ये दिखा रहे हैं हम आपको, 125 रैली, 12 रोड शो और 15 प्रबुद्ध जन सम्मेलन, और अभी भी 8-9 दिन प्रचार के बचे हुए हैं। अगर इसी रफ्तार से वो प्रचार करते रहे तो 150 से ज्यादा रैलियां कर लेंगे क्योंकि हर रोज वो 4-5 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। अगर इस रफ्तार से वो रैली कर रहे हैं तो जिन रैलियों में वो जाते हैं, जहां जहां वो रैली करते हैं, जहां जहां सभाएं करते हैं, वहां किस तरह के नतीजे आते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में योगी ने 95 जनसभाएं, इसमें से बीजेपी को 64 सीटों पर जीत मिली। इसका मतलब क्या है, 95 रैलियां की, जिन सीटों पे उनमें से 64 जीत गए, यानी कि स्ट्राइक रेट 67% का है। इसी तरीके से 2022 का भी दिखाइए जरा एक बार आंकड़ा। 2022 में 181 सीटें जो जिस पर उन्होंने खुद प्रचार किया था, विधानसभा के चुनाव थे, इस पर उन्होंने 121 सीटों पर जीत हासिल की। यहां भी अगर आप देखेंगे तो करीब 67% का स्ट्राइक रेट आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से वो गुजरात और बिहार में भी गए और गुजरात और बिहार विधानसभा में भी उन्होंने जो मोर्चा जहां संभाला, जहां उन्होंने रैलियां की, वहां भी स्ट्राइक रेट 68% के आसपास रहा। तो जिस तरीके से योगी चुनाव में आते हैं और छा जाते हैं, ये सब रातों रात नहीं हुआ है।
इसके लिए पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने खुद भी बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन विपक्ष को उनका सिर्फ भगवा चोला दिखाई देता है। वो जब भी वार करते हैं उनके पहनावे पे वार करते हैं, और ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जब लोगों ने उनके पहनावे के लिए उन पर निशाना साधा। सवाल यह है कि योगी की जो बाकी उपलब्धियां हैं ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखती, और विपक्ष आखिर योगी को लेकर इस कदर हमलावर क्यों है आज की तारीख, क्यों इतना घबराया हुआ? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम पाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा भाई, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं हमने इतनी सारी चीजें इसीलिए बताई कि योगी को सिर्फ उनके भगवा चोले के आधार पर देखना और जज करना यह कब तक चलता रहेगा, और आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जब आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि सीता का हरण करने जो आदमी आया था, वो भी जो रावण आया था, वो भी भगवा चोले में आया था। तो भाई अगर आपको योगी आदित्यनाथ पर हमला करना है, योगी आदित्यनाथ की आलोचना करनी है, तो उनके कपड़े की आलोचना करेंगे आप? उनके काम की आलोचना करते, उनके नीतियों की आलोचना करते? जगदीश शर्मा, आवाज क्या हो गया? रंजीत भाई, पिछले 15 मिनट से आप जिस तरह से मेहमान गुनगा रहे हैं योगी जी का और मोदी जी का, इससे पता लगता है, समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी बड़ाई करना चाहते हैं, या तो दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी इतने डान हो गए हैं कि योगी की सभाएं तबाह तोड़ चल रही है, एक तरफ मोदी जी चल रही है, अमित शाह की चल रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, और हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सब, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए हमने ये दिखाया, इसलिए दिखाया जगदीश शर्मा कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं, मुझे बोल नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। इस बिल्डोजर का जवाब 4 जून को देश की जनता देगी। संविधान और जैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर संगत पर क्यों बिल्डोजर नहीं चढ़ाया? वो जो बेटियों को छेड़छाड़ कर रहे थे पहलवान पर, उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चढ़ाया? जो बहन बेटी जिंदा जला दी झोपड़ी में, उन अफसरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? ये बिल्डोजर खुद में योगी पे चलने वाला और मोदी जी चलाएंगे, देखते रहिए। कहने के मैं समझता हूँ कि हालात बता रहे हैं, ताबड़तोड़ रैली, और जिस तरह का आप लोग गुणगान करते हैं कि राम मंदिर का हम विरोध करते हैं, योगी का हम विरोध करते हैं, हम क्यों करते हैं? अरे भाई, देश की जनता विरोध कर रही है, इनको वोट नहीं दे रही है, इनका बुरा हाल है, सुपड़ा साफ है। पर कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपका चैनल है नहीं, आपको जगदीश शर्मा, आप योगी की 4 तारीख के बाद अगर आप से कहता हूँ, आप अगर योगी की बात करें, योगी के काम की बात करें, उनके नीतियों की बात करें, मुझे उससे क्या आपत्ति है? लेकिन आप बात करते हैं जब योगी की, तो आप योगी के कपड़े से ऊपर ही नहीं उठ पाते। का बुरा हाल कर दिया है, आप सच्चाई देश को दिखाएं तो अच्छा रहेगा। यह हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करें आप, पत्रकार महोदय आपका मैं सम्मान करता हूं, पिछले 15 मिनट से नहीं जगदीश शर्मा, जो नाना पटोले और हुसैन दलवाई जैसे लोग जो बोल रहे हैं, हुसैन दलवाई कहते हैं कि भाई ये मॉडर्न बनना चाहिए, ये भगवा कपड़े मत पहनो, मॉडर्न बनो तब निवेश आएगा। भाई यूपी में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है आज की तारीख में, और वहां के सीएम भगवा कपड़े में ही हैं, और निवेश भी आ रहा है, लेकिन हुसैन दलवाई को लगता है कि कोई भगवा कपड़ा में आदमी अगर है तो वो मॉडर्न हो ही नहीं सकता, उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती। हमें क्या लेना भगवा कपड़ों से, संविधान नहीं बताता हमारे धर्म की राजनीति? भाई आपके नेता क्यों बोल रहे हैं? सवाल यही तो है ना, यही तो सवाल है जगदीश शर्मा, कि आपको भगवा कपड़े से इतनी चिढ़ क्यों है? बताइए, इतनी चिढ़ क्यों है भगवा कपड़े से? गुंडों पर नहीं चढ़ाते, गरीब आदमी पर बिल्डोजर लेके चल देते हैं, जय मोदी जी और योगी जो गरीब आदमी लाचार आदमी दिखा बिल्डोजर चढ़ा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का हम रुख करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब इनकी सरकार थी तो इनके गृह मंत्री एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक नई टर्मिनोलॉजी थी, भगवा आतंकवाद, और अब जब ये विपक्ष में है तो इनको अगर कोई भगवा कपड़े में कोई आदमी दिख जाता है तो इनको लगता है कि ये रिग्रेसिव आदमी, ये आदमी दकियानुसी सोच का होगा, ये आदमी, उनको भगवा से इतनी दिक्कत क्यों है आखिर? देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि पूरा जो देश का राजनीतिक वातावरण बदला है,
उसकी बुनियाद में कहीं भगवा भगवा से जुड़े आंदोलन, भगवा से जुड़े हुए अभियान, और उसमें एक मठ का मठाधीश आकर राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। और निजी तौर पर मैं भी मानता हूं कि धार्मिक लोगों को राजनीति में इस तरह से बहुत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो एक ऐसा नेता जिसने रूढ़िवादिता अंधविश्वास को ध्वस्त करने का काम किया। अखिलेश यादव भगवा नहीं पहनते, सभी नेताओं की तरह बढ़िया कुर्ता सफेद और सदरी और सब कुछ पहनते हैं। हम जिस नोएडा में बैठे हैं, आप भी जिस नोएडा के स्टूडियो में हैं, यहां हिम्मत नहीं हुई, अखिलेश यादव नहीं आए। और मैं आपको बताऊं, हम जहां रहते हैं और जहां फिल्म सिटी है उसके बीच में एक बहुत बढ़िया फ्लाईओवर अखिलेश यादव ने बनाया, पूरा नहीं हो पाया था, उसका लोकार्पण हुआ भाजपा सरकार में। और मैंने लिखा था कि आज भले भाजपा सरकार करा रही लेकिन अखिलेश यादव को भी आज इसके उद्घाटन में बुलाना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अखिलेश यादव नोएडा जैसे शहर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी एक सरकार की कृपा है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बना, वो इसलिए क्योंकि इसको ढेर सारे लाभ है जो एनसीआर के होते हैं, वहां अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में आ नहीं पाते। ऐसे ढेर सारे अंधविश्वास अपने साथ लेकर चलने वाले नेता उस मुख्यमंत्री से कह रहे हैं जो कहता है कि मैंने जो काम किया उसका उद्घाटन करने जाऊंगा, और अगर किसी को लगता है तो ठीक है, एक बार ये भी अंधविश्वास देख लेते हैं। दोबारा योगी आदित्यनाथ आ गए, और जो सबसे बड़ी बात है, भगवा कपड़ा पहनकर महिलाओं की इज्जत बचाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ, भगवा कपड़ा पहनकर अपराधियों को उनकी हैसियत में लाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ, भगवा कपड़ा पहनकर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में देश के सबसे बड़े राज्य को शामिल किया है, भगवा कपड़ा पहनकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 पर आ गए, भगवा कपड़ा पहनकर जब चाइना से कोई कंपनी चलती है तो महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी उसकी मेन्यू लिस्ट में होता है, भगवा कपड़ा पहनने वाले मुख्यमंत्री से माइक्रोसॉफ्ट की टीम आती है तो लखनऊ में जाकर अलग से बातचीत करती है, भगवा कपड़ा पहनने वाले मुख्यमंत्री ने वन विंडो क्लियरेंस कर दिया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अगर आज आप उद्योग लगाने जा रहे हैं तो आपको जगह जगह भागना नहीं है, उसको सीधे चीफ सेक्रेटरी देखता है और सीएम ऑफिस की मॉनिटरिंग में होता है। अब मुझे तो ऐसा भगवा कपड़ा पहनने वाला ये जो क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल ये है ना कि अगर ये सारी चीजें अगर दिख रही होती तो विपक्ष आज सिर्फ उनके भगवा कपड़े पे सवाल नहीं उठा रहा होता, उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसे सवाल उन्होंने उठाए होते जिसका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल होती बीजेपी को, लेकिन वो ऐसा तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैं जरा एक बार चाहता हूं कि लोगों की भी राय इसमें शामिल कर लें कि लोग क्या कह रहे हैं, हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में लोगों का क्या कहना है। जरा दिखाइए सवाल नंबर 1 जो हमने पूछा उसका क्या रुझान है अभी। इंडी गठबंधन के नेताओं में बुलडोजर बाबा का इतना खौफ, यानी कि योगी आदित्यनाथ का इतना खौफ क्यों है, ये हमने सवाल किया था, और लोग क्या कह रहे हैं इसके जवाब में देखिए। करीब 57% लोग कहते हैं कि योगी सुशासन के प्रतीक हैं, उनका जो बुलडोजर है वो सुशासन का प्रतीक है, और योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब करीब 32.5% हैं, और करीब 10% लोग कहते हैं कि योगी के वोट, योगी के जाने से, या यूं कहें कि योगी के पहुंचने से ध्रुवीकरण का जो है वो डर सताता है विपक्ष को, इसलिए वो इनका विरोध करते हैं, तो ये इसलिए वो खौफ ज्यादा रहते हैं योगी को लेकर के। हमारे साथ राजकुमार भाटी भी हैं। राजकुमार जी, तो योगी की ये जो नई स्टाइल की पॉलिटिक्स है, नया स्टाइल का कपड़ा है तो ठीक है, नया स्टाइल का कपड़ा आपने पहली बार देखा इसीलिए ओवैसी से लेकर के और बाकी कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगता है कि वो उनके गले से उतर ही नहीं रही ये बात, तो नया नया स्टाइल, नया कपड़ा और ये नया तरह का स्ट्राइक रेट, ये तीनों आपको नहीं पच रहा? जगदीश शर्मा बहुत गंभीर बात कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपना राजनीतिक पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपने उनका एक भी वाक्य सुनने नहीं दिया, आप लगातार बोलते रहे, उनकी बात आपने सुनने ही नहीं दी श्रोताओं को कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2.5 मिनट तक बोले क्योंकि वो योगी जी के समर्थन में बोल रहे थे, उन्हें आपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू की कथा चल रही हो। आपको भी अगर यही होना इस डिबेट में तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा। बोलिए आप, मैं भी आपको 2 मिनट सुनूंगा, आप मुझे बोलने दें, जोड़ के सुन लूंगा, आप बोलिए तो। अगर आप 2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और जो जगदीश शर्मा के साथ हुआ अगर वही मेरे साथ होना है
तो मैं बिल्कुल तुरंत उठ जाऊंगा डिबेट से। नहीं नहीं, आप बोलिए, करने को फायदा, आप बोलिए बोलिए। देखिए आप रंजीत जी, बहुत बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब राजशाही थी, खास तौर से मध्यकाल में जब राजा महाराजा होते थे, तो हर राजा अपने दरबार में दो तीन कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे तो साजी चतुरंग सैन रंग, अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भारी धरती हिलती है, आसमान हिलता है जब उनकी सेना, इस तरह की झूठी गाथाएं लिखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। आज यही प्रशस्तियां गाई जा रही हैं पत्रकारों के रूप में, एंकर के रूप में। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। भाई ईश्वर से एक आध इंच नीचे ही आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की ये हालत हो जाएगी, आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है, ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है, यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं, और अगर हम सरकार की आलोचना करें, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की आलोचना करें, तो ये हमारा खौफ हो गया। मैं तो माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक सवाल और रखना चाहिए था और फिर उसके 3 ऑप्शन देने चाहिए थे। क्या मीडिया सरकार के साथ मिला हुआ है, क्या मीडिया सरकार से डरा हुआ है, और सी ऑप्शन। अब क्या अब आपकी बात तो आ गई, मुझे लगता है अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी आ गई। अब मैं आपसे राजकुमार भाटी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आलोचना हो योगी आदित्यनाथ की, तो उनके काम की आलोचना करेंगे, उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे, उनकी पॉलिसी की आलोचना करेंगे, उन्होंने जो किया जो नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे। कि आप उन हमेशा इस बात पर सवाल उठाएंगे कि वो भगवा कपड़े क्यों पहनते हैं, ये आलोचना है, ये आलोचना है। ये तो साबित करता है ना कि आपके पास उनकी आलोचना करने के लिए ना तो आपके पास कोई आधार है और ना आपके पास कोई उसका आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसके आधार पर उनकी आलोचना कर सके आप। ये तो यही दिखता है ना, ये तो यही दिवालियापन दिख रहा है विपक्ष का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष हम हैं। हमारे नेता विपक्षी दल हैं विधानसभा के अंदर। हमने कभी उनके पहनावे पे टिप्पणी नहीं की, हमने या हमारे नेता ने हमें। मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं, अगर संत महात्मा टाइप के लोग राजनीति में आए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर संत हो तो कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरदास जी को आपने पढ़ा होगा कि कौ जोगी सब करे मन को बिरला कोई, सीधी सहजे पाइए जो मन जोगी होई। तन का जोगी होने से कुछ नहीं होता, मन के जोगी होइए, मन में लोगों के प्रति प्रेम पैदा कीजिए। मन में किसके क्या है, मन का जोगी उसका अगर उसका कोई पैमाना अगर आपके पास हो तो आप बता दें। लेकिन भाई हम तो और कबीरदास का एक दोहा और सुन लो। नहीं कबीर एक दोहा और सुन, भाई कबीर के पैमाने पर अगर आप संतों की तुलना करने लगेंगे, आपको याद रखना होगा राजकुमार भाटी कि वो संत के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, ठीक है ना। तो संत तो है ही, वो राजनेता भी हैं, और राजनेता के तौर पे भी वो मुख्यमंत्री के तौर के भी उनकी एक जिम्मेदारी जवाबदेही है। और अगर आप उसको सिर्फ वो संत वाली तुलना में अगर संत वाले पैमाने पे देखना चाहते हैं तो गोरखपुर के मठ के तौर पे उनकी जो उनका जो रोल था उसको सिर्फ देखिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पे अगर बात करेंगे ना, तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनके कार्यकाल को देखिए, उनकी उपलब्धियों को देखिए, उनकी कमियों को देखिए। लेकिन भाई अगर ये अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर बन गया। भाई दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भगवा पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। आप ऐसे देखिए ना, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रोज धर्म की बात करो, भगवा कपड़े मत पहनो, थोड़ा मॉडर्न बनो। भाई ये रोड शो करने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ मुंबई निवेश लाने के लिए, और वहां कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भाई आप मॉडर्न बनो, भगवा कपड़े मत पहनो। तो ये क्या दिखाता है, किसी के पहनावे पे या किसी की आस्था पे कोई भी सवाल उठाता हम उससे सहमत नहीं है, हम उसका विरोध करते कोई भी हो चाहे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, वो तो इनकी भी टीम है बीजेपी की, उसके जवाब दे हम थोड़ी हैं। हम भगवा कपड़े को श्रद्धा के साथ देखते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं भगवा पहनने में,
और सारी बीजेपी पहनने लगे भगवा, लेकिन राजनीतिक आलोचना करने का हमारा अधिकार है। हाँ, जो राजनीतिक आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। एक बार ममता काले के पास, जो एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोलते हैं हमेशा, और जो ओबीसी और दलित समाज के साथ अन्याय उनके सरकार में हुआ है, जो ओबीसी के हक मारे गए हैं, पीडीए का शोषण हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, ममता काले के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सवाल नंबर दो का भी एक बार रुझान दिखा दीजिए। चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इतने ज्यादा प्रचार का मतलब क्या है, जरा ये दिखाइए कि जिस तरीके से उनकी डिमांड है और जिस तरीके से वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरा बताइए। योगी की बातों पर लोगों को भरोसा, ऐसा मानने वाले लोग कितने लोग हैं? 75% लोग मानते हैं कि योगी की बातों पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, इसलिए उनकी ज्यादा रैलियां लगाई जा रही है। योगी की रैली का मतलब जीत पक्की है, जैसा कि हमने बताया कि स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा है, 68% है योगी का, इसलिए भी लोग चाहते हैं कि उनकी रैलियां हों। और विपक्ष पे ज्यादा तीखे हमले करते हैं योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल ही बेझिझक और बिल्कुल बेवाकी से बोलते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा डिमांड है, ऐसा मानने वाले लोग 11% हैं। तो 75% लोग मानते हैं कि योगी की बातों में पे भरोसा दिखता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा लगता है। तो एक बार जरा सा एक बार चलते हैं ममता काले के पास। ममता जी भाई, ये आपने हमारे सारे पैनलिस्ट को सुन लिया और ये बात तो स्पष्ट है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बहुत कद्दावर जो नेता हैं उनमें से एक हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी आलोचना होनी चाहिए, और एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनका दूसरा कार्यकाल है तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का स्तर भी तो देखना पड़ेगा ना कि आलोचना के नाम पर क्या हो रहा है। आलोचना के नाम पर आप सिर्फ एक मजहब को, एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आस्था को, उसकी उसके पहनावे के, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। जी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि कबीरदास जी की बात करिए राजकुमार भाई ने, तो उन्हीं का एक दोहा मैं भी सुना देती हूँ कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। और ये मैं समर्पित कर रही हूँ उन लोगों को जो योगी आदित्यनाथ जी के वस्त्रों के ऊपर इतनी घटिया भद्दी और गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब अगर आपको एक नेता के बारे में कुछ बोलना है तो बिल्कुल आपने सही बोला, आप उनके कामों के बारे में बोलिए ना, आप कामों पर आलोचना कीजिए। और जनता जनार्दन होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिल्कुल सही होता है। यदि पिछले पूरे 5 वर्ष योगी जी ने काम नहीं किया होता तो 37 वर्ष के बाद इतिहास नहीं दोहराया जाता यूपी के अंदर, और बाबा की सरकार नहीं आती। अब भगवा से जिन लोगों को परेशानी है वो वही लोग हैं रंजीत जी जिन्होंने प्रभु श्री राम को ललकारा था सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उनके अस्तित्व को नकारा था। आप 500 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना, यानी राम राज्य इस देश में, पूरे अयोध्या के में ही नहीं पूरे देश में जब स्थापित हुआ, पुनर्स्थापित हुआ, और रावणों की जब लंका जली, और कौन से रावणों की लंका, भ्रष्टाचार करने वाली झूठ बोलने वाले रावणों की जब लंका जली तो उनको तकलीफ हो गई। अब भगवा के बारे में दो तीन शब्द बोलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि उत्तर प्रदेश के और मेरे उत्तराखंड के जो है मूल रूप से, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवा माने तपस्या, भगवा माने तप, भगवा माने सच्चाई, भगवा माने जनसेवा, भगवा माने विकास, भगवा माने सम्मान, भगवा माने न्याय, भगवा माने अहिंसा, और भगवा माने ईमानदारी। और इसलिए मैं कहती हूं कि जो भगवे की ताकत है वो सफेद पोश नहीं समझ सकते, जिन्होंने पूरी जिंदगी स्वतंत्रता के बाद सफेद कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने, कुर्ता पैजामा, और उसके बाद काले काम किए। जगदीश शर्मा, जल्दी से मेरे को आप 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं बाबा जी के बुलडोजर की बात करना चाहती हूँ। देखिए एक जमाना था उत्तर प्रदेश के अंदर जब जो बुलडोजर था ना वो सरकार का नुमाइंदा बनकर के माफियाओं के हाथ में खेलता था, और गरीब सच्ची ईमानदार जनता के ऊपर खौफ बरसाता हुआ चलता था। लेकिन अब बदल गई है सत्ता, बुलडोजर वही है रंजीत जी, केवल मुख्यमंत्री जी बदल गए, सत्ता बदल गई, और अब वो जो बुलडोजर है ना वो जनता। जगदीश शर्मा ये योगी स्टाइल पॉलिटिक्स की कोई काट नहीं है आपके पास। ये जो ममता काले कह रही है कि ये जो नई स्टाइल की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स की जो नई भाषा और नई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसकी कोई काट नहीं दिखती, इसीलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। रंजीत भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास कोई काट नहीं है। ममता काले जो दुखी है मैं समझ रहा हूँ उनका दुख, इनसे एक बात पूछिए, जो माँ बेटी जिंदा जला दी थी योगी सरकार में, झोपड़ी के अंदर, उस पर कुछ बोलेंगी? जो शंकर ने इज्जत लूटी बहन बेटियों की, उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला, उस पर कुछ बोलेंगी? ब्रजभूषण जिन बेटियों की इज्जत लूटी तार तार कर, उन पर कुछ बोलेंगी? बड़ी दुखी है, बहुत अफसोस कर रही है, ये वन वे चल रही है सही मायने में। इन्होंने लिखा राजनीतिक विशेषण, नो राजनीतिक विशेषण का मतलब है सच और सच्चाई और झूठ को दोनों दिखाए।
आप योगी की तारीफ तो करी है, इन पर बात समर्थन करिए ना देश के सामने। वो जो नंगी हमारी बहन बेटी मणिपुर में लड़ा नंगी घुमा दी, उन पर कुछ बोलेंगी? कुछ तो शर्मिंदा होंगी या उस पर भी जोश दिखाएंगी? और बिल्डोजर चलाने तो सच्चाई पर जो झूठ झूठे लोगों पर चलाइए अच्छी बात है। और बिल्डोजर चलाना किसी सरकार का काम नहीं है, यह संविधान और कानून का काम है। कोई भी बाप आके बिल्डोजर किसी पे चढ़ा दे वो गलत बात है। कानून क्यों बनाए हैं, संविधान क्यों बना रखा है, इसको भी बंद करने के चक्कर में बहन हमारी दुखी है। इसको बताइए गुणगान करे योगी जी के, योगी जी गुणगान करे। अरे राम मंदिर का हमने कभी विरोध नहीं करा, ये कहते हमने विरोध करा। हमने भगवा का विरोध नहीं करा, ये कहते विरोध करा। जबरदस्ती थोपे जा रहे मन की मर्जी टीवी में बैठकर, बताइए कौन विरोध करता है? हम तो नहीं करते, भगवान राम का मेरी आत्मा है, मेरी मेरे आत्मा का सवाल है, मेरे घर में राम है। पर जबरदस्ती कर रहे हैं, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, ठीक है, भगवा का विरोध कर रहे हैं, अरे जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ममता काले एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके बोलते हैं, गरीब आदमी पे चला जाए, हाँ ठीक है। नहीं भाई आप ऐसे अगर ऐसे ही कहेंगे तो सिलेक्टिव बातें तो आप भी करते हैं ना। आप जिनके साथ है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां राज्यसभा सांसद की पिटाई हो गई, आपने क्या बोल दिया, क्या बोला आपने, बताइए कौन सा बयान जारी किया? कल हमारी 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 तो महिला रिपोर्टर के साथ मार, हमारे उनके साथ बदतमीजी हुई, तो कैमरा पर्सन के साथ मारपीट हो गई। आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, आपने कौन सा बयान दिया, आपने क्या कहा, बताइए भाई। आप ये सिलेक्टिविज्म सब जगह चल रहा है ना जगदीश शर्मा, जब 25 तारीख तक घुमाएंगे ये सब जी। और पश्चिम बंगाल पे क्या बोल दिया, संदेश खाली पे क्या बोला आपने? वहाँ तो आप साथ में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हो, दिल्ली में कहने को साथ है लेकिन बंगाल में साथ नहीं है, वहाँ भी आप नहीं बोल पाए। दिल्ली पुलिस को गाली दे रही है, हाथ लगा रही है, आप इधर की बात उधर घुमाएंगे, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। शाम तक सारी मीडिया जगदीश शर्मा, आप मोदी की आपसे जो सवाल हो रहा है उस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना यहाँ की बात वहाँ करने का कोई फायदा नहीं है ना। कभी मनमोहन सिंह ने इतनी रैलियां करी रंजीत जी, कभी मनमोहन सिंह ने ताबड़तोड़ रैलियां करी? इनके सारे नेता ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनका समय खराब आ गया है। काम करो तो ताबड़तोड़ रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर्षवर्धन जी ये एक नई बात कह रहे हैं जगदीश शर्मा एक नई बात कर रहे हैं कि ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको ज्यादा जरूरत है, ये हार रहे हैं इसलिए ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। भाई इनको ज्यादा मेहनत नहीं दिखती, इनको वो कमिटमेंट नहीं दिखता और इस मेहनत का फल इनको नहीं दिखता। अगर सही तरीके से इसको एनालाइज कर पाते, इसका विश्लेषण कर पाते तो मुझे लगता है कि यही असली समस्या है कांग्रेस की। देखिए रंजीत जी, देखिए जगदीश जी क्या है ना, बड़े जिसको कहें कि खाए पिए अघाए नेता हैं, और जगदीश जी तो गांधी परिवार के बहुत नजदीकी हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बहुत नजदीकी हैं, प्रियंका जी के बहुत नजदीकी हैं। तो इनको वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो गांधी परिवार को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ना किसी को। लेकिन जो भी जमीन पे नेता रहता है, भाटी जी हैं, और जो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी तो उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर को छोड़ा नहीं, और वो दिन रात मेहनत करके तब वो समाजवादी पार्टी को वहां ले गए कि वो पार्टी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले बड़ी हो गई थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें थी उसकी, 2012 का चुनाव अगर किसी को याद हो तो भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट थी, और आज भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों वाली पार्टी है विधानसभा में। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या जो ये नेता जिनको हम कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इनका और काम क्या है? चुनाव के बीच में जनता के पास जाना, अपनी बात कहना, अपने किए काम बताना, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको बताना, उसके आधार पर जनता को अपने साथ जोड़ना, और अगर सरकार मिल जाए तो उस आधार पर जो एजेंडा आपने कहा था कि हम पूरा करेंगे उसको लागू करिए, जनता दोबारा चुन लेगी या निकाल बाहर कर देगी। अब जगदीश शर्मा जी ने ये गणित बताया, जिन मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं जगदीश जी, मनमोहन जी कभी लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए, हमेशा राज्यसभा से जाते रहे। दुर्भाग्य ये कि अब कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी भी राज्यसभा से पहुंचेंगी। राज्यसभा नेता मास लीडर की पहचान नहीं होता है, मेहनत से थक जाती है पार्टी तो वो रास्ता चुनती है। पत्रकार महोदय हैं, बिल्कुल। तो नहीं, मुझे लगता है कि जगदीश शर्मा के सवाल का सही जवाब आ गया है,
और बिल्कुल आपने जैसा कि कहा हर्षवर्धन जी कि भाई लोगों की जो है ना इस तरह की पॉलिटिक्स जो जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि रोज की चार चार पांच पांच रैलियां रोड शो और उसके बाद हाँ मैं कह रहा हूँ कि यही तो जाएंगे। जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मनमोहन सिंह तो नहीं करते थे, नहीं करते थे। पार्टी जी से पूछे क्योंकि वो नेता है, मैं उनको भी जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसको जरा मैं भी पूछता है सवाल पूछता लेकिन समय की कमी है। मैं राजकुमार भाटी जी के पास अब नहीं जा पाऊंगा, समय की कमी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जरा तीसरे सवाल का रुझान दिखा दीजिए। और हमने पूछा था कि देश भर में यूपी का योगी मॉडल इतना पॉपुलर क्यों है, ये सवाल हमने पूछा था। और इसका जवाब कौन क्या दे रहे हैं लोग जरा देखिए। 38% लोग कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया इसलिए। 44% लोग कहते हैं कि जनता की को सुरक्षा की गारंटी मिली है इसलिए पॉपुलर है। और करीब 17% लोग कहते हैं कि यूपी की विकास वाली छवि बनाई है इसलिए। अब मूड मीटर में वक्त है आज के जो चार लकी वोटर हैं उनका नाम बताने का। आशीष कुमार उत्तर प्रदेश और ममता राठी उत्तर प्रदेश की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी चार नंबर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा दो और नाम दिखा दीजिए जल्दी से। सत्यजीत मोहंती उड़ीसा और लक्ष्मी सरकार पश्चिम बंगाल की हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी चार डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आप सब लोगों को मिलता है मूड मीटर की तरफ से इनाम। और हमारे पास वक्त आज इतना ही था, चलते हैं अपने